अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपको मैं भेजे का करी बताने जा रही हूँ। सालन जैसा अपन खागी ना बनाते ना, अंडे की जगह भेजा डालेंगे। और इसके लिए अपने को इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, प्याज, लाल मिर्च, अदरक लहसुन, नमक, तेल, हल्दी, गरम मसाले में कोथमीर, हरी मिर्ची, और ये भेजा है। अब इसके बाद अपन प्याज को चॉप कर लेंगे, कट कर लेंगे। उसके बाद में अपन कैसा बनाना स्टार्ट करेंगे। अब ये भेजों पे जो है सो थोड़ा अदरक लहसुन, थोड़ा नमक, थोड़ा हल्दी, थोड़ा मिर्ची मिला के मिक्स कर लेंगे। ऐसा मिक्स करके अपन ये जो ये रेड जो दिख रहे हैं ना, इसमें वो जो है सो भेजे को बिसान कर देते। तो अपने को ये बिसान होने के लिए अपन क्या ट्रिक करना है वो देखिए। ये सब थोड़ा थोड़ा मिर्ची, हल्दी, अदरक, लहसुन, नमक पूरा इसको लगा लेंगे। लगा लेके अब अपन जो है सो एक स्टोव पे ऑन करके, अब ये जो लगाए अपन ये इस पे तवे पे डाल देंगे। बॉईल करेंगे, इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, सिर्फ ये सब मिक्स करके पानी डाल के बॉईल करेंगे। बॉईल करने से ये जो बिसान बो आती आपको, वो बिसान बो खत्म हो जाती है। देखिए ये भेजा बॉईल हो गया, मैं इसको पीसेस में कर ली। अब मैं स्टोव बंद कर दे रही हूँ, जो वाटर था पूरा वो हो गया, ये बॉईल हो गया पूरा भेजा, मैं स्टोव बंद कर दे रही हूँ। अब अपन इधर स्टार्ट करेंगे। ये एक कढ़ाई रखी मैं, उसमें तेल डाल रही हूँ, ये 2 चमचे तेल डाल रही हूँ मैं। प्याज का जो वो था पानी हो गया। अब इसमें अपन जो अदरक लहसुन, अदरक लहसुन 1 टेबल टीस्पून इसमें ऐड कर लेंगे, और हल्दी जो 1/2 टीस्पून रखे थे। अदरक लहसुन होने के बाद इसमें अपन टू टीस्पून मिर्ची डालेंगे। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, क्योंकि कितना आपको लगता हो। मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाली। उसके बाद पूरा मिक्स करिए। इसमें अपन हरी मिर्ची जो लिए थे इसको चॉप करके डालेंगे। इतना अपना साइज का चॉप कर लीजिए। कवर कर देंगे, प्याज अच्छे से हो जाए।
भी पूरे इसमें डाले तो इंग्रीडियंट भी पक गए। इसमें अपने को पानी नहीं डालना है, पानी डाले तो इसमें क्या होता है वो तो किसान हो जाता, चाहे आप अंडे का खादीनार हो या भेजे का हो, पानी नहीं डालना, पूरा ऐसे ही तल लेना। सिम पे रख के करिए आप, सिम पे रखे तो क्या है नीचे पकड़ता भी नहीं और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होता, फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब अपन इसमें क्या करेंगे, जो बॉईल करके रखे थे वो भेजा इसमें डाल देंगे अपन। लाइटली भेजा नहीं टूटे वैसा अपन मिक्स कर लेंगे, करके एक दो चार मिनट के लिए अपन इसको कवर करके सिम पे एक दो चार मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि भेजे में भी पूरे वो आ जाए। देखिए अब अपन लेट हटा के देखेंगे रेडी हो गया, ये साइडों से ऑयल भी आना शुरू हो गया, मतलब कम्प्लीटली पक गया, इसमें कुछ भी कच्चा नहीं है। अब आप स्टोव ऑफ कर दीजिए। ठीक है, अब मैं जो है सो डिश में निकाल ली सर्व करने के लिए। अब आपका भेजा करी रेडी है, आप ज़रूर बनाइए, जैसा स्टेप्स वाइज बताई मैं वैसे हिसाब से बनाइए, इसमें पानी मत ऐड करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।